न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर देश में गुस्सा है, उबाल है और सवाल है आखिर मोदी सरकार कब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन में आएगी। इस बीच एनआईए की जांच में कई खुलासे हुए हैं। पता लगा है कि पुलवामा की साजिश त्राल में रची गई थी। त्राल में ही रहकर एक पाकिस्तानी आतंकी ने पूरी साजिश तैयार की। कई और खुलासे हुए हैं, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आंसुओं का सैलाब और देश का आक्रोश देखिए। रिपोर्ट की शुरुआत एक ऐसे नौजवान कवि की पंक्तियों से जिसने पाकिस्तान को ललकारा है। हालांकि उसकी ये कविता पुरानी है लेकिन सोशल साइट पर वायरल हो रही है। एक तिरंगे झंडे का बड़ा पुराना पाप है, दुश्मन पर वो हमला करने को बेताब है। तो एक तिरंगे झंडे को आप झांसी की तलवार मिले, एक तिरंगे झंडे को आप भारत चीन की हुंकार मिले। तो एक तिरंगा झंडा मेरा कर्तव्य को दिखलाएगा, ले सेना वाले वीर जवान सीमा पार जाएगा। एक तिरंगा झंडा मेरा विश्व गुरु कहलाएगा और एक तिरंगा झंडा निकलो यार, एक तिरंगा झंडा मेरा चौराहों पर ले निकलो यार। जय हिंद। आक्रोश है, आंसू है, हुंकार है, दर्द है, ललकार है, लबों पर पुकार है और इस सब के बीच शहादत का डोला है। आज दिल विचलित है, बाहर शोर हो लेकिन अंदर खामोशी है, क्योंकि जो तस्वीरें बार बार आ रही हैं वो रुला रही हैं। झकझोर रही हैं। आखिर क्या हो गया मेरे देश को, आखिर क्या हो गया मेरी सेना को, क्या हो गया मेरे देश के वीर जवानों को। ये सारे सवाल पूरे देश में एक चक्रव्यूह की तरह है। कश्मीर से मुंबई तक शहादत पर गर्व और मातम का माहौल है। अवंतीपुरा से ताबूतों का कारवा जब दिल्ली पहुंचा और फिर उनके परिजनों के पास, तो आंसुओं के सैलाब से तिरंगा भीग गया। दर्द की पुकार से धरती का कलेजा भी फट गया। माँ बेटे के सीने से लिपटकर रोए तो कैसे रोए, क्योंकि वीर जवान का पार्थिव शरीर तो बारूद के धमाके में लोथड़े में बदल गया था। सूजी आंखों से बीबी इंतजार कर रही थी पति को आखिरी बार देख ले, लेकिन देखे कैसे, सिर्फ ताबूत में कुछ निशानी आई। कुछ जवानों की ऐसी हालत थी जिसे हम दिखा भी नहीं सकते। 40 परिवारों पर कहर टूट पड़ा है, शहादत का रेला है जिसे देखने हुजूम का हुजूम जुट गया। बड़ा कम होता है जब नेताओं की टोली आखिरी सफर में पहुंचती है। मोदी सरकार ने खासतौर पर अपने सांसदों और विधायकों को निर्देश जारी किया था कि शहीदों की अंतिम यात्रा में पहुंचे, श्रद्धांजलि दे, परिजनों को सांत्वना दे। पूरा देश इस गम के माहौल में साथ है। जिस जगह हमला हुआ वहां से कुछ दूरी पर हिजबुल के टॉप कमांडर बुरहानवानी का गांव है। बताया जा रहा है वहीं पर पुलवामा हमले की साजिश रची गई, जबकि बुरहान को 3 साल पहले सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। बुरहानवानी को लोकल लोगों का काफी सपोर्ट था, खासतौर से नौजवानों का वो रोल मॉडल बन चुका था, लेकिन आतंकी राह पर उसके मंसूबों ने उसे नेस्तनाबूद कर दिया। अब सवाल यह कि जिन आतंकियों ने पुलवामा हमले को अंजाम दिया, क्या वो बुरहान की तरह भटके हुए कश्मीरी है या फिर पाकिस्तान से दाखिल हुए थे। एनआईए इसी जांच में जुटी है। कहीं दुकानें बंद कराई गईं,
कहीं पाकिस्तान के झंडे जलाए गए। कहीं आतंक के पुतले फूके गए। कहीं कैंडल मार्च निकाला गया। पाकिस्तान के नहीं है ये, कश्मीरी हैं। तो हमें पहले कश्मीर के जो अंदर घुसे हुए हैं, जो गद्दार हैं, उन सबको चुन चुन के मारना चाहिए, ताकि उसकी आधी से ज्यादा कमर तो पाकिस्तान के वहीं टूट जाएगी, और फिर हमें पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना चाहिए। जो इतने हमारे जो 40 जवान शहीद हुए हैं, उनका खून जो है बेकार नहीं जाएगा। स्टेट में सर्जिकल स्ट्राइक तो अब इतना आसान नहीं रह गया, क्योंकि दे आर वेरी मच अलर्ट। तो अभी हमें सीधा ही अटैक ही करना होगा। अब पिटने का वक्त खत्म हो गया, अब खड़े होने का वक्त आ गया है। हमें खड़े होकर सीधा जवाब देना है, बिल्कुल जवाब देना है। कुल मिलाकर पूरा देश एक सुर में कह रहा है, बलिदान का बदला कब? बच्चे बुजुर्ग सब सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान मुर्दाबाद चिल्ला रहे हैं, और देश के हुक्मरानों से मांग कर रहे हैं कि कब होगा एक्शन। जम्मू से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर सरकार तक यही पुकार है कि पाकिस्तान से कब हिसाब चुकाया जाएगा। शहीदों के घर वालों का सब्र अभी टूटा नहीं। कई परिजनों ने कहा है, अगर दूसरा बेटा भी होता तो देश पर कुर्बान कर देते। लोकल पॉपुलेशन का सबसे ज्यादा रोल है, और मैं दुआ करूंगा कि उनको कम से कम उनके ऊपर नकेल कसी जाए, जिससे आने वाले दिनों में किसी और माँ को अपना बेटा न खोना पड़े, हम जैसे लोगों को अपना भाई न खोना पड़े। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा ये सिर्फ एक आर्मी का वो नहीं है कि उस एंगल से हम देख रहे हैं। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था, एक अच्छा गायक था, हमने ये क्षति कभी पूरी नहीं होगी जो हमने एक मल्टी टैलेंटेड लड़का जो खो दिया है। और मैं बहुत दुखी हूँ सरकार के रवैये से कि ये इस तरह की हरकतें बार 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 हो रही है। पीएम मोदी ने सख्त लहजे में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है, लेकिन एक्शन कब होगा इसके बारे में नहीं पता। इस बीच आतंकी हमले की जांच एनआईए ने तेज कर दी है। 12 लोगों की टीम दूसरे दिन भी आतंकी हमले वाली जगह पर पहुंची। इस दौरान ड्रोन से आसपास के इलाके की निगरानी की गई। आई हैव कम टू सी द स्पॉट एंड एज यू हैव सीन द टीम्स आर ऑलरेडी वर्किंग हियर, द फॉरेंसिक टीम्स, द टीम्स ऑफ एनआईए एंड आवर ओल्ड पीपल आर वर्किंग हियर एंड द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। And once the investigation is concluded, then only more details can be given. Thank you. NIA के साथ पहुंची फॉरेंसिक टीम ने कई सबूत इकट्ठा किए। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किए जाने का शक है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस बीच खबर आ रही है आतंकी हमले की साजिश में 7 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि इस साजिश को दक्षिणी कश्मीर के त्राल में रचा गया था। त्राल इलाके के मिदुरा में इस हमले की तैयारी की गई थी, जिसके लिए कई बार रेकी भी की गई। त्राल वही इलाका है जहां साल 2016 में हिजबुल का टॉप कमांडर बुरहान वानी मार गिराया था। ऐसी बात भी सामने आ रही है, पुलवामा हमले की पूरी योजना एक पाकिस्तानी नागरिक कामरान ने बनाई थी, जो जैश ए मोहम्मद का सदस्य है। एजेंसियों का मानना है कि कामरान दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, अवंतीपोरा और त्राल में सक्रिय है, ऐसे में उसकी तलाश भी की जा रही है। उधर मोदी सरकार के तेवर सख्त होते जा रहे हैं, सरकार को विपक्ष का पूरा साथ मिल गया है। सर्वदलीय मीटिंग में आतंक के खिलाफ सरकार का साथ देने की बात की गई। आतंकी हमले के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट हैं, सभी दलों ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ खड़े होने की बात कही। सरकार ने विपक्ष को हमले के बारे में जानकारी दी। बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। देश की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की सुरक्षा के लिए हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारा पूरा समर्थन रहेगा। इस बीच पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान ने बेशर्मी वाला बयान दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत ने बिना जांच किए पाकिस्तान पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत के पास इस हमले से जुड़े सबूत हैं, तो वो पाकिस्तान को सौंपे। मैं उसकी मुसम्मत करता हूं। मैं समझता हूं कि वायलेंस हमारा ना रास्ता था ना है, हमारी हुकूमत की ये पॉलिसी नहीं है। अफसोस थोड़ा सा मुझे ये हुआ कि हिंदुस्तान ने अभी बात को पूरी तरह उसकी खोज नहीं निकाली, इन्वेस्टिगेशन नहीं की, एक नी जर्क रिएक्शन के तौर पर फौरी तौर पर उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया।
पाकिस्तान पे तो इल्जाम लगाना एक मिनट की बात है, आप लगा दीजिए, अपना मलबा हमारे पे फेंक दीजिए। लेकिन आज दुनिया सारी से कायल नहीं होगी, दुनिया ने मुजम्मत की और करनी भी चाहिए। जो एक जानों की ज़िया हुआ है, कोई जी शौर आदमी उसको कंडोन नहीं कर सकता, कंडेम करना पड़ता है। लेकिन दुनिया आज सोचती है कि भाई देखो, और हिंदुस्तान से आवाजें आ रही हैं, आपने फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट सुना जब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना तो आसान रास्ता है, आप ये भी देखिए कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। टिपिकल सियासतदान की तरह, पॉलिटिशियन की तरह अगले इलेक्शन पे नजर रखते हुए वो अपने रिएक्शंस और अपनी पॉलिसी मरतब करें। और एक है उनके पास ऑप्शन ऑफ स्टेट्समैन, जो अपने खित्ते के बारे में, जो अपने मुल्क की गुर्बत के बारे में, अपने मुल्क की बेहतरी के बारे में और खित्ते की बेहतरी के बारे में सोचे। और उसकी जरूरत है अमन इस्तेकाम, रीजनल स्टेबिलिटी। अब देखना यह है कि वो उस डगर चलते हैं या इस डगर चलते हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री पर अभी भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन पीएम मोदी लगातार पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं। जब तक इस हमले के खिलाफ भारत सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, देश का आक्रोश बढ़ता रहेगा। इस बाबत कई शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश गुस्से में है, उधर देश के कुछ नेता विवादित बयान देने में लगे हैं। कांग्रेसी नेता नवजोत सिद्धू को ऐसा ही एक बयान देना महंगा पड़ गया। सोनी टीवी पर आने वाले शो से उनकी छुट्टी कर दी गई। ऐसा माना जा रहा है कि सोशल साइट पर सिद्धू के खिलाफ आक्रोश को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हर अच्छाई जो दो देशों के बीच में रह रही है, बस सर्विस है, ट्रेड रूट्स खुले हैं, कराची वाला वो ट्रेड रूट जो खुला है, तो क्या आप इन सब चीजों को बंद कर दो? क्योंकि कोई चार आतंकियों ने एक घिनौनी हरकत की है, एक एक कावर्डली एक्ट बुजदली का कार्य किया है, इसके लिए क्या इतने छोटे हैं प्रधानमंत्रियों के निर्णय? सिद्धू बोलते बहुत हैं और यही उनकी खासियत भी मानी जाती है, लेकिन इस बार बोल बचन के चलते ही सिद्धू फंस गए। पुलवामा हमले के बाद जब देश गुस्से से उबल रहा है, उस वक्त पाकिस्तान की हिमायत सिद्धू को भारी पड़ गई। जी हां, सिद्धू को मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो से जज की कुर्सी गंवानी पड़ी है। जब कहेगा तब निकाल देता हूं। ठाकरे दो सर, संगीत सम्राट है अनु, सोनू की जादुई आवाज है, फरा के इशारों पे नाचता है बॉलीवुड, उसका मस्त अंदाज है। सिद्धू इससे पहले तब भी विवादों में घिरे थे जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पाकिस्तान गए थे। वहां जाकर सिद्धू ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को गले लगाया था, जिस पर सिद्धू की जमकर मुखालफत हुई थी। पुलवामा हमले के विरोध में पूरे देश में गुस्सा है, बॉलीवुड भी गुस्से में है। आपको दिखाते हैं सितारों ने किस तरह अपने गुस्से का इजहार किया। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने ट्वीट करके जवानों की मौत पर अपना दुख व्यक्त किया है। पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकवादी हमले के बारे में पढ़कर स्तब्ध हूँ, ये बहुत दुखद है। उन जवानों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, जिन्होंने अपनों को खोया है। तो वहीं रणवीर सिंह ने भी इस हमले को कायरतापूर्ण करार दिया है। सलमान खान ने इस हमले के बाद अपना गुस्सा जाहिर किया है। देश प्रेम के लिए अपनी जान देने वाले सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर मेरा दिल रो रहा है, जिन्होंने हमारे परिवारों की सुरक्षा के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया। साथियों तुमको मिले, जीत ही जीत सदा। ट्वीट के जरिए शाहरुख खान ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। बहादुर जवानों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। हमारे देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले जवानों की आत्मा को भगवान शांति दे। देशभक्ति की फिल्मों से जनता तक अपना पैगाम पहुंचाने वाले अक्षय कुमार का भी गुस्सा फूट पड़ा।
पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर इस नृशंस आतंकी हमले पर विश्वास नहीं हो पा रहा। हम इसे कभी नहीं भूल सकते। भगवान शहीदों की आत्मा को शांति प्रदान करे और घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूँ। प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट करके इस कृत्य की जमकर निंदा की है। ऋषि कपूर ने ट्वीट करके शहीदों के परिवारों के साथ खड़े होने की बात कही है। विक्की कौशल ने भी अपना दुख व्यक्त किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ आपको तस्वीरें दिखाते हैं। गुवाहाटी की तस्वीर, अलग अलग देश के हिस्सों में शहीदों के पार्थिव शरीर पहुंच रहे हैं, तो वहां पर गुस्सा है। और इस वक्त गुवाहाटी की आप तस्वीर देखिए, एयरफोर्स के जवानों की तस्वीर, जवानों में किस कदर गुस्सा है आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। एयरफोर्स के जवान है, वीर जवान अमर रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, काफी कुछ कहती है, हिंदुस्तान के गुस्से को दिखाती है। और यह तस्वीर यह भी दिखाती है कि जवानों को खुली छूट मिल जाए तो किस तरीके की वो कार्रवाई कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। एयरफोर्स के जवानों को आप देख रहे थे, किस तरीके से वीर जवान अमर रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए यहां पर। मुनेश्वर बासमतरी शहीद हुए इस पुलवामा अटैक में, और इन्हीं के पार्थिव शरीर को लेने के लिए जब उनका पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचा था तो जवान खुद को रोक नहीं पाए और वीर जवान अमर रहे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जो लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी के साथ में हमारी जो पोस्टें हैं वो रिज लाइन के साथ साथ में हैं, और उनको मेंटेन करने के लिए जो हमारी फुट ट्रैक्स हैं या म्यूल ट्रैक्स हैं ये सब उनके साथ साथ में चलती हैं। और वहां पर थिक वेजिटेशन, जंगल होने के कारण और स्लोप्स होने के कारण, हालांकि वहां पर बहुत जगहों के बीच में हमारी फेंसिंग भी लगी हुई है, हमने अपनी तरफ से भी आईडीज लगा रखे हैं ताकि कोई भी वहां से इन्फिल्ट्रेट करे तो उसका उसको क्षति पहुंचे, लेकिन ये 100% सकती है। तो उस कारण से ये जो खबर मिली है, इस खबर के बीच में हमारी एक पेट्रोलिंग पार्टी लाम के सेक्टर में एक जगह से दूसरी जगह में पोस्ट में जा रही थी, उसके बीच में एक आईडी ब्लास्ट हुआ है जिसके कारण एक मेजर शहीद हो गया हुआ है। यहां पर आज से कोई एक महीना पहले इसी वेरी एक्टिव सेक्टर में पहले भी एक ऐसे ही आईडी ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक मेजर और एक जवान शहीद हुआ था, जेसीओ भी इंजर हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चीजें होती आई हैं, हम अपनी भारत की तरफ से, भारतीय फौज की तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं ये वारदात ना हो, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ अपनी फौज के साथ में नहीं, ये मिलिटेंटों के साथ में मिलके अपने ड्रेस बदली करके ऐसी ऐसी कायराना हरकतें करते हैं।